वेलकम बैक टू माय चैनल मदर ऑफ टू। हेलो मटन लवर्स, मैं आज के आपके लिए लेके एक मटन की एक लजीज डिश जिसका नाम है मटन खीमा। आप मटन के जगह चिकन यूज़ करके चिकन खीमा भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं मटन खीमा। मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। मटन है तो ऑयल ज़्यादा ही लगेगा, नॉनवेज में ऑयल ज़्यादा ही लगता है, तो कंजूसी मत करना डालने में। मैंने लगभग यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें 1 टेबलस्पून में घी ऐड करूँगी। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून के करीब क्यूमिन सीड, बे लीव्स एंड सिनेमिन। आप अपने पसंद के खड़े मसाले इसमें डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे अनियन, मैंने यहाँ पर 2 अनियन लिए हैं। इसे अच्छी तरह भुनेंगे। अनियन ट्रांसपेरेंट होने लगा है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक 1 टेबलस्पून, जिंजर 1 टेबलस्पून। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड मैं करूँगी टोमेटो क्यूब। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हो। टोमेटो क्यूब अगर आपके पास नहीं है तो आप चॉप टोमेटो या टोमेटो प्यूरी यूज़ कर सकते हो। इसे आप अच्छी तरह मेल्ट कर लूँगी। इसमें आप देख सकते हो टोमेटो अच्छी तरह सॉटे हो गया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून मटन मसाला, रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी खीमा। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो खीमा लिया, इसे धो के अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है इसका वाटर, एक्सेस वाटर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जिससे इसे लम्स ना रहे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी। बीस पच्चीस मिनट बाद खीमा ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं बॉयल पीस ऐड करूंगी और 5 मिनट और पका लूंगी। हमारा खीमा रेडी है। अब इसे मैं कोरिएंडर से गार्निश करूंगी। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी। मटन खीमा रेडी है। आई होप आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके क्लिक कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड नॉनवेज लवर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। स्टे ट्यून ऑन मदर ऑफ़ टू।